हरे कृष्णा, राधे राधे, माधव कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए समर कॉटन बिब फ्रॉक वाली ड्रेस। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने कॉटन के दो कलर के कॉम्बिनेशन लिया है। ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, देखिए, और ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत है। इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये हम 4 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आइए मैं अब आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। मेजरमेंट जैसे कि यहाँ से चौड़ाई है 4.5 इंचेस, और इसमें हम यहाँ पर ही स्टिचेस में जाएगा आधा इंच ऊपर से, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया ऊपर और नीचे दोनों साइड जाने के लिए। और इधर से जो लिया हमने 34 इंचेस दिए, जो उसकी लेंथ ली है पूरी कपड़े की। तो आइए अब इसको स्टिच करना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे का हमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए ये देखिए, इस तरीके के यहाँ पर हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे और इस तरीके से डिजाइन बनेगा। तो इसको स्टिच करने के लिए, जैसे ये सीधी साइड है, इसको इस साइड रखेंगे इस तरीके से, और इसको एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों पट्टी को मैंने स्टिच कर दिया, इससे कि हमारी नीचे का बॉर्डर बन जाएगा। ये हल्के हल्के हम यहाँ पर सिलाई लगा दी, इसको इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। ये देखिए, सीधा करके इस तरीके से ये देखिए। अब इसको यहाँ से इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच करके इस तरीके से पूरी पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी इस तरीके से। यहाँ पर ये बॉर्डर बन गया है, बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत प्यारे तरीके से बन गया। आप चाहो तो इस तरीके किनारे पे दूसरी सिलाई लगा सकते हैं और इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिलाई और लगा देती हूँ किनारे पर। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किनारे पे बॉर्डर लगा दिया इस तरीके से, ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ से जैसे कि ओपन है, तो इस साइड से यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी। इसमें मैंने सिंपल ही सिलाई लगा दी है। अब इसे यहाँ पर हमें प्लीट्स बनानी है। ये देखिए, प्लीट्स इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए प्लेटें बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने प्लेट्स बना लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान तरीके से बन गई, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसीलिए बहुत ही इजीली। देखिए प्लेट्स कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है। इस तरीके से देखिए, ये घेरा भी पूरा राउंड राउंड घूम गया है। तो आइए अब इसमें हम बिब लगाएंगे। ये हमारी बिब वाली फ्रॉक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है। तो अब इसे बिब लगाएंगे और इसमें नेफा लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर, जैसे कि हमने जो भी हमारे ठाकुर जी की कमर होती है, कमर का साइज इस तरीके से राउंड में जितना भी आता है, हमें प्लीट्स उतने में ही तैयार करनी होती है। तो आप अपने ठाकुर जी के हिसाब से इस तरीके से कमर का साइज लेने के बाद, तभी उतनी साइज की हमें प्लीट्स तैयार करनी है। तो जैसे कि हमारे ठाकुर जी की कमर 5 इंच है, तो ये देखिए 5 इंच के हमने यहाँ पे प्लेट्स बना ली हैं। तो इसी तरीके से हमें बेल्ट भी जो लगानी है, वो 5 इंच में ही लगानी है। तो आप अपने ठाकुर जी की कमर इस हिसाब से ऐसे राउंड राउंड नाप के, इसी हिसाब से हमें प्लेट्स तैयार करनी है। तो देखिए, हमने एक पट्टी ले ली है, ये पट्टी का जो साइज ली है, जैसे यहाँ पे नेफा लगाना है इसमें ड्रेस में, तो हमने 1.5 इंच इस साइड से लिए। और जैसे कि हम यहाँ पर 5 इंच है, तो इस हमने यहाँ पर जैसे हमारी 5.5 है, तो 5.5 इसलिए कि वो थोड़ी सी इधर से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इधर से फोल्ड करेंगे। तो इसलिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 5.5 इंच की पट्टी ली है और इसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा सा इधर से एक्स्ट्रा, जो हमारा 5.5 है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे इधर रखते हुए, और इसको पूरी को स्टिच कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर ये पट्टी स्टिच कर दी है नेफे की इस तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा है, तो इधर से फोल्ड करेंगे, हल्का सा जाके धागे ना निकले इसमें, और एक इधर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए बेल्ट को हम स्टिच कर देंगे पूरा। तो
देखिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे बेल्ट बना लिए, बहुत ही खूबसूरत देखिए तो कितना प्यारे कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए हमारी जैसे कि ठाकुर जी की कमर इस हिसाब से देखिए कितनी अच्छे से फिट होके आएगी। और यहाँ पर हम या तो वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर हम टिच बटन लगा सकते हैं, इस तरीके से दो वेलक्रो या दो टिच बटन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आगे हम यहाँ पर बिब लगाएंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर बिब लगाएंगे, इसमें बिब के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिए कि देखिए आगे बिब बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिए और इसमें सेम ऐसे मैचिंग हमें पट्टी लगानी है। तो देखिए जैसे कि हमें बिब वाली हमें फ्रॉक बनानी है तो यहाँ पर ये मैंने कपड़ा लिया, छोटा सा पीस लिया, इस हिसाब से यहाँ पर देखिए अपने आप ठाकुर जी के इस यहाँ से जैसे कि गर्दन होती है वहां से नाप ले लेना और यहाँ पर नीचे से ले लेना। तो यहाँ से जो होता है हमारा ये 1.5 इंच की पट्टी है और नीचे से हमारी ये देखिए 2 से कुछ पॉइंट कम है ताकि स्टिच इधर भी सिलाई में जाएगा इधर भी कुछ पॉइंट जाएगा तो हमें 1.5 यहाँ पर रह जाएगा और 1.25 इधर रह जाएगा। तो इस हिसाब से और ये हमने जो लेंथ ली है ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी है तो हम यहाँ पर सिलाई में जाएगा और नीचे यहाँ पर जोड़ने में ज्वाइंट में जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ये पीस लिया है। तो आप अपने ठाकुर जी के हिसाब से जैसे कि सामने का उनके यहाँ पे गर्दन के यहाँ पर इस हिसाब से नाप लेना और थोड़ा सा नीचे से लेना जो ऊपर नीचे थोड़ा सा ये देखिए हम यहाँ पर ऊपर 1.25 है तो नीचे 1.5 इंच होगा। ये देखिए ऊपर 1.25 इंच और नीचे 1.5 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होगा। इस हिसाब से आप अपनी बिब कटिंग कर लेना ठाकुर जी के नाप लेने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि नेक के यहाँ पर आप ये पाइपिंग लगाएंगे, ये देखिए इस कपड़े की, तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने से और स्टिच करने से इस तरीके से यहाँ पर भी धागे नहीं निकलेंगे और ये देखिए फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए हम यहाँ पर स्टिच कर लिए। अब यहाँ पर नेक वाली साइड हमने स्टिच कर ली। अब हमें यहाँ पर इस दोनों साइड भी स्टिच करना है। दोनों साइड के लिए हमने ये एक लंबी पट्टी ली है इस तरीके से और यहाँ पर दोनों साइड मैंने ज्वाइंट करके इसी तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे जैसे उल्टी साइड रखेंगे हम, यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे और इसको इस तरीके से फिर पलट देंगे जैसे कि हमने ये यहाँ पर किया गर्दन के यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये देखिए, तो ये देखिए जैसे कि मैंने ये वन साइड स्टिच किया है, यहाँ पे इस साइड से हाफ स्टिच करने के बाद फुल स्टिच इस तरीके से करना होता है। यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से करते हुए हम यहाँ से भी स्टिच करेंगे और यहाँ बिब के यहाँ पर भी। तो इस तरीके से हमारी ये स्टिच हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया बिब को, ये बिब यहाँ पर तैयार हो जाती है। इस तरीके से तैयार करने के बाद जैसे कि यहाँ पर ये फ्रॉक है हमारी, तो इसके यहाँ पर सेंटर लेंगे इस तरीके से, इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पर चौक से मार्क कर लेंगे इस तरीके से, सेंटर को मार्क कर लेंगे इस तरीके से करने के बाद। और जैसे कि बिब का सेंटर होगा इस तरीके से और इस पर भी यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, हल्के से कट भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको दोनों को ज्वाइंट कर देंगे रखकर इस तरीके से। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया आप स्टिच यहां से भी कर सकते हैं इस तरीके से रखने के बाद, और आप चाहो तो इस तरीके से दूसरी साइड में आपको दूसरा एक बार बता देती हूँ, यहां से इस तरीके से रखेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे और इसको ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप चाहो तो अंदर से भी स्टिच कर सकते हैं और बाहर से भी स्टिच कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बिब स्टिच कर दी है, जैसे मैंने बताया मैंने बाहर के साइड स्टिच की है। तो मैंने दोनों आपको पैटर्न बताया, आप अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए बिब वाला मैंने आपको बिब वाला फ्रॉक आपको बनाना बता दिया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये साइड में इसमें यहाँ पर वेलक्रो लगाएंगे, ये देखिए जैसे कि वेलक्रो है इस तरीके से, ये वेलक्रो मैं यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड लगा दूंगी, दोनों साइड वेलक्रो लगा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने वेलक्रो भी लगा दिए एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे, इस तरीके से वेलक्रो भी हमारी यहाँ पर लग गई है और ये ड्रेस हमने यहाँ पर स्टिच करके आपको बता दिया कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये। आप घेर जितना ज्यादा लोगे उतनी फ्रिल्स अच्छी बनेगी और पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसमें फ्रिल्स ज्यादा होनी चाहिए और ये देखिए इस तरीके से ये हमने आपको स्टिच करना बता दिया है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये ड्रेस स्टिच करना बताया और मैं ये मेरे ठाकुर जी ने देखिए आपको पहनकर भी दिखाया, आप भी इसी तरीके से अपने ठाकुर जी के लिए प्यारे से ड्रेस बनाकर पहनाइए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपके ठाकुर जी लगेंगे इस ड्रेस में। ये ड्रेस बनाने में भी आसान है और पहनाने में भी, ये वॉशेबल भी है और बनाने में ईजी भी है।
ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आपके ठाकुर जी भी बहुत ही खूबसूरत लगे, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ ये ड्रेस आपको अच्छी लगेगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।